हिंदू धर्म में नागराज को देवता के रूप में पूजा जाता है। 9 अगस्त को नाग पंचमी आ रही है। इस दिन सभी नाग मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी। इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। जिस प्रकार देखा जाता है, एक सामान्यतः व्यक्ति नागों से डरता है और डरना भी चाहिए, सर्प अत्यधिक विषैली तथा घातक भी होते हैं, प्राण लेने वाले होते हैं। परंतु भारत अपना विविधता वाला देश है तथा कई त्यौहार ऐसे होते हैं जहाँ उसमें नागों का पूजन होता है तथा अपने शास्त्रों में, भारतीय शास्त्रों में नागों को महत्व दिया गया है तथा कालसर्प दोष आदि में अपन नागों का पूजन करते हैं तथा नाग पंचमी आदि के दिनों में, शुभ दिनों में नागों का पूजन करते हैं तथा जिनकी अकाल नाग के तथा विष के संपर्क में आने से मृत्यु होती है तो उनका भी पूजन या उनकी तिथियाँ वगैरह लेते हैं, तो नाग पंचमी के दिन तिथि लेते हैं तथा अभी 9 तारीख को नाग पंचमी आने जा रही है। 9 तारीख को नाग पंचमी को क्या कार्य करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए, इस विषय पर अपन बात कर रहे हैं। सो मुख्यतः हमारे भारत में लौकिक तथा धार्मिक कुछ कथाएं हैं तथा कुछ मान्यता हैं जिसके कारण ये कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार जमीन की खुदाई नाग पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि नागों का जो घर होता है तथा उनका स्थान है वो मुख्यतः जमीन के अंदर नीचे का कहा गया है। वो इसलिए अगर खुदाई करते हैं तो उसमें नागों का यदि घर होता है तो टूट जाए तो उससे दोष लगता है तथा हानि होती है। तथा उसी प्रकार घर में कढ़ाई तवे का उपयोग नहीं करना चाहिए, लोहे की वस्तु को गैस पर नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा भी कहा गया, चूल्हे पर नहीं चढ़ाना चाहिए। उसके पश्चात धारदार वस्तुओं का उपयोग सब्जी आदि तरकारी काटने में नहीं किया जाता है तथा इसके मान्यता है कि जो तवा अपन रोटी जिस पर सेकते हैं वो नाग का फन के स्वरूप माना जाता है, इसलिए उसका उपयोग नहीं किया जाता है। और एक और मुख्य है कि यहाँ पर नाग का पूजन अपन करते हैं तथा कई बार नाग पंचमी पे व्यक्ति नागों से डर करके नागों को मारता है तो उससे कालसर्प दोष की आदि की उत्पत्ति होती है तथा अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। तो इसी प्रकार इस दिन नाग पंचमी वाले दिन हम यह कार्य कर सकते हैं कि भगवान नागराज का पूजन करें तथा नागराज की आकृति बना करके उनको भोग आदि लगाए, कच्चे आटे का भोग लगाया जाता है तथा मान्यता है कि यदि किसी को कालसर्प दोष होता है या विष दोष होता है तो उसके निवारण हेतु इस दिन व्रत रखना चाहिए और भगवान नागराज का पूजन कर करके उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे दोष समाप्त हो गए।